क्या यहाँ की मॉर्निंग है यार। ओ वेल डन गैनी साहब, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरवर सुल्तान क्यानी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एज के। जैसा कि आपको पता है डिस्कवर एज की टीम नीलम वैली की विजिट पे है और हमने नीलम वैली की पूरी जगह को एक्सप्लोर करना है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पे पहले बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसी एक जगह पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस जगह का नाम दो मेला है। बेसिकली हमने सफ़र अपना शुरू किया था अपन नीलम से, हमने जाना था बाबून। बाबून से पहले एक ये वादी है, उसको दो मेला कहते हैं। यहाँ पे सीजनल लोग आबाद होते हैं, गर्मियों में अपना माल मवेशी लेके यहाँ पे आ जाते हैं और जबकि गर्मियों सर्दियों में वापस अपने जो असली घरों को चले जाते हैं। यहाँ पे ये इलाका 6 से 7 माह जो है स्नोफॉल की जद में रहता है, जहाँ ता हम जुलाई से ये सितंबर अक्टूबर तक इस इलाके में सेवों की रसाई मुमकिन होती है। यहाँ पे आने के लिए आपको सारा ऑफ्ट्रैक तो नहीं है, 50% ऑफ्ट्रैक है और 50% आपको रोड मिलेगी। अपन नीलम से आप सफ़र शुरू करेंगे, यहाँ तक आपको जीप लेके आएगी, जीप का भी काफ़ी मुनासिब कराया है। बल्कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप आगे बहाबून तक जीप लेके जा सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इमेजिन करें कि ये जगह इतनी प्यारी है, जो दो मेले अभी ये बाबून का स्टार्ट है, तो बाबून पहुंच के बाबून कितना प्यारा होगा। अभी हम बाबून भी जा रहे हैं इंशाल्लाह, मैं एक डिटेल व्लॉग बना रहा हूँ मुजफ्फराबाद से पूरे नीलम वैली के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उन पर, और कुछ मेरे शॉर्ट व्लॉग ऐसे चलते रहेंगे जैसे ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो टेम्परेचर बहुत मेनटेन है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, सर्दी है गर्मी नहीं है। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि हार्डली आप 10 से 20 सेकंड इसमें अंदर खड़े हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसके अंदर सर्वाइवल नहीं कर सकते। पीछे आप देखें बड़ी बड़ी हसीन वादियाँ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, बुलंदो बाला दरख्त हैं और दरख्तों के दरमियान में से और पहाड़ों के दरमियान में से ठट मारती हुई ये छोटी सी नदी, ये छोटा सा नाला जो है नीचे नीलम की तरफ बह रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर जाएँ जहाँ पर पहले लोग बहुत कम जा चुके हैं और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें जो आपने इससे पहले वीडियोज़ में ना देखी हो। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है, मैं रिकमेंड करूँगा तमाम टूरिस्ट को, नीलम वैली आने वालों को, कि आप इस जगह लाजमी आए, इस जगह को बेस कैंप बनाएं और यहाँ से दूसरे दिन आप बाबून को सबमिट करें या बाबून को वज़रिया जीप जाएं और बाबून को भी विज़िट करें। और ये जगह अभी बाबून की स्टार्टिंग है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये यहाँ का पहला पॉइंट है जी दो मेला का, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं आके, और ये सामने रिफ्रेशमेंट काउंटर कॉर्नर है। शायद भाई का माशाल्लाह बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग के यहाँ पे टेंट कॉलोनी इनकी लगी हुई है। ये वाला ऊपर वाला जो टेंट है इसमें हम यहाँ पे रुके हैं रात को, और ये मज़र हुसैन भाई हैं, इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, जब भी आप आएँ तो इनसे रब्ता करके आएँ। आगे सीटिंग बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और ये यहाँ के कुछ नज़ारे, तो ये चीज़ें सब आप नोट कर लें आने।